उन्होंने गाड़ी नहीं लेके जाए, मतलब नहीं लेके गए, तो एक दिन हम लोगों को होल्ड कर दिए। फिर शायद वो कहीं दूसरी जगह सर्च किए होंगे हो कि सकता। हाँ क्या काम, मतलब कितना क्या हो सकता है, मतलब रेंज कितना हो सकता है, रेट का, रेट का पता किया, चेंजेस अगर करने से वो कितना रेट हो सकता है बाहर में, शायद में भी हो सकता है। तो उन्होंने चेक किया, उसके बाद अगला दिन फिर उन्होंने कहा कि उनको पेंटिंग करना है। अच्छा मैडम, ऐसा तो बहुत सारे दोस्त लोग जो लोग देख रहे हैं जी, मान लीजिए उनका पूरा कलर चेंज कराना नहीं है या फिर उनका एस्टिमेट का बाहर है, लेकिन उसको अगर चाहिए कि भाई मैं पूरा बम्पर कलर करा लूं, तो पार पार्ट कितना करके लेती है आप लोग? पार पार्ट में जैसे हर एक पार्ट में हम लोगों का 1499 करके होता है। 1499। मैडम जी नमस्ते। नमस्कार, कैसी है मैम? बिल्कुल ठीक है। ठीक है मैम, मैं बेसिकली आज बहुत सारे नया दोस्त देख रहे हैं, आप पहले यहाँ का लोकेशन अच्छे से समझा। हाँ, यहाँ का लोकेशन है आपका 30 नाडुपोता रोड, ऑटोमेनिक मोटर केयर प्राइवेट लिमिटेड, कोलकाता 700105। और ये जो रोड है 13 नंबर, ये 13 नंबर 13। हाँ 13 जो है वो आप गूगल में जाइएगा, 13 नंबर पाडुपोता रोड देने से ही वो ऑटोमेटिकली ले लेते हैं। अगर आप मान लीजिए गोरिया टूवर्ड्स आएंगे तो JW मैरियट का जो क्रॉसिंग है वहाँ से राइट यू टर्न लेके थोड़ा सा आगे बढ़िएगा, आपको लेफ्ट साइड में एक रास्ता मिलेगा जो नया बन रहा है मेट्रो के लिए, वहाँ से बस 2 मिनट। और अगर आप एयरपोर्ट होके आइएगा तो आप जो बाईपास धावा का क्रॉसिंग है उसके बाद ही आपका आता है JW मैरियट का क्रॉसिंग, वो क्रॉसिंग क्रॉस करके थोड़ा सा आगे बढ़िएगा, लेफ्ट में रास्ता मिलेगा, वही सेम मेट्रो का काम चल रहा है, वहां से 2 मिनट। मैम आज का टॉपिक क्या है थोड़ा बता दीजिए। आज का टॉपिक है आपका डेंटिंग पेंटिंग का, जो है पेंटिंग वो चेंज किया हुआ कलर। अच्छा, वही टॉपिक है आपका। एक ग्रैंड आइटम आपको दिखाएंगे, कलर पूरा चेंज। हाँ तो उसी का आपको मैजिक दिखाएंगे, थोड़ा देख लीजिएगा कैसे क्या होता है। प्राइस वगैरह सब कुछ बता दीजिए। बिल्कुल, प्राइस उसमें हम डिस्कस कर देंगे क्या कितना क्या प्राइस है, ठीक है, क्योंकि प्राइस डिस्कस नहीं करेंगे तो आप लोग क्यों यहाँ पे आएंगे। एक तो मन वो बहुत इम्पोर्टेंट बात है प्राइस का मैटर, तो वो भी जब वीडियो आप देखेंगे तो उसमें मैं बता दूंगी कितना क्या उसका प्राइस होगा, कितना दिन लगेगा और कितना वो प्रोसेस कैसे हुआ है, वो पूरा कहानी उसमें बताएंगे। वेरी गुड, ठीक है तो शुरू किया जाए। बिल्कुल, चलिए दोस्तों शुरू किया जाए। तो मैडम यही वो कार्ड है जिसको डेंटिंग पेंटिंग किया गया बाद में, लेकिन उससे पहले किसी दूसरे काम में आए थे। हाँ हाँ, क्या क्या काम के लिए आए थे ये? एक्चुअली ये कस्टमर जो है ये गाड़ी को मैकेनिकल कुछ काम के लिए आया। अच्छा। था तो मैकेनिकल काम जो था वो इनका हो गया था। ओके ओके। उसके बाद फिर हमारे यहाँ पे यही हीट चेम्बर में एक दूसरा गाड़ी का पेंटिंग चल रहा था उस टाइम में, मतलब okay, वो अच्छा। सिर्फ पेंटिंग नहीं था, वो उसका कलर चेंजिंग हो रहा था। हाँ, हाँ, ठीक है, इस टाइप की कार। हाँ, इस टाइप की एक कार। अच्छा। थी तो कस्टमर जो है वो अंदर बैठे हुए थे, और होते हैं ना कभी कभी कस्टमर फ्लोर में वो चक्कर लगाते हैं, देखते हैं क्या होता है नहीं होता है, तो शायद कस्टमर वो काम जो है वो नोटिस किया था। ओके। बाद में जब हम लोगों का उनका इनवॉइस हो गया था जो मैकेनिकल काम था, जो बिल होने वाला था, गाड़ी जाने भी वाला था, फिर कस्टमर अपना रिक्वायरमेंट बताया कि उनको भी पेंट करना है। पेंट करना है। अच्छा। हाँ, पेंट करना है, मतलब वो काम देख के उनको पसंद है। पसंद आया। अच्छा। उसके बाद फिर उन्होंने गाड़ी नहीं लेके जाए, मतलब नहीं लेके गए। अच्छा। तो एक दिन हम लोगों को होल्ड कर दिए, फिर शायद वो कहीं दूसरी जगह सर्च किए होंगे हो ही सकता। हाँ, क्या काम, मतलब कितना क्या हो सकता है, मतलब रेंज कितना हो सकता है, रेट का, रेट का पता किया, चेंजेस अगर करने से वो कितना रेट हो सकता है बाहर में, शायद में भी हो सकता है। तो उन्होंने चेक किया, उसके बाद अगला दिन फिर उन्होंने कहा कि उनको पेंटिंग करना है तो उनको कोटेशन दे। फिर हम लोग कोटेशन उनको दिए। अच्छा। और उन्होंने फिर सजेस्ट, हम लोगों से एक सजेशन भी मांगा कि क्या कलर करने से अच्छा होता है या जो भी है, तो एक हम लोग डिस्कस हुआ। उसके बाद फिर एक कलर हम लोग बनाए। कलर हम लोग क्या होता है बाहर बनाते हैं, जो हम लोगों का खुद का जो पेंटर होते हैं जो लोग काम करते हैं वो बना के फिर उन्होंने हम लोग क्या किया उनको फिर भेजे कि देखिए ये कलर ऐसा आया है। हाँ। तो उनको पसंद आया, उसके बाद उन्होंने अप्रूवल दिया। हाँ। फिर जाके हम लोग गाड़ी को पेंट करना स्टार्ट किए, लेकिन ये पेंट जो है इसका पूरा खोल के नहीं पेंट हुआ है। अच्छा। गाड़ी ऊपर से ही पेंट हुआ है। ऊपर से पेंट। हाँ, ऊपर से ही कलर इसका चेंज हुआ है, और जितना इसका ब्लैक साइड जो देख रहे हैं ये अलग उनका जो रिक्वायरमेंट था कस्टमाइज है। ठीक। अच्छा, है। ये पेंट का जो आपका अमाउंट है। हाँ। उसके साथ में ये अलग है, आपका ये सारा चीज अलग है। अलग है। अच्छा, तो यही इसका कहानी है। और हाँ। कलर देख रहे हैं इसका पहले का कलर, इसका
बिफोर दिखे थे आपको, आप दिखाए थे, तो इसका आफ्टर यही कलर है, कस्टमर को पसंद है। अभी ये गाड़ी डिलीवरी जाने के लिए तो पता नहीं चल रहा है, अगर अचानक कोई देखेगा तो उनको पता नहीं चलेगा भाई ये कलर हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, तो देख के लगेगा कि भाई नॉर्मल कार जैसे आती है वैसे आई है। तो ये शानदार। अच्छा कुछ मतलब आप लोग कुछ वारंटी वगैरह देते हैं कलर के ऊपर या फिर? हाँ, वारंटी क्या होता है, देखिए नेचुरल इसका जो कलर है वो ना जाए, हम लोग लगभग आपका 1 ईयर की जो वारंटी होता है वो देते हैं। आप इसमें स्क्रैचेस ना हो जाए खुद से, आप वो तो अलग बात है कि मान लीजिए कहीं रखा है वो स्क्रैच हो गया या फिर डेंट हो गया, इतना अच्छा कलर आया है इसको अगर आप अच्छे से संभाल के रखेंगे तो ये बहुत दिन चल जाएगा, बहुत दिन चलेगा। बेसिकली हम लोग बात करते करते दिखा भी जाए दोस्तों, अब जरा देखने की कोशिश कीजिए, हर एक एंगल से हम लोग शूट किया कार को सिर्फ और सिर्फ आपको दिखाने के लिए, ताकि आपको समझ में आए, ताकि आपका पास भी अगर इस टाइप की कार हो आप अगर लेके आएंगे तो आपको भी ऐसे ही मतलब कलर मिलेगी, आप जो कलर आप चाहते हैं वही कलर में कार को कन्वर्ट करा सकते हैं, ताकि कलर बहुत दिन तक लास्टिंग हो जाए। तो मैडम ये कार क्या कोलकाता का है बाहर का है? ये कोलकाता का ही कार, कोलकाता का ही जी, कार है जी। अच्छा ठीक है, और बेसिकली मैकेनिकल वर्क क्या क्या था? मैकेनिकल वर्क इसका शायद ब्रेक का काम था, ब्रेक का काम था। और इसका सस्पेंशन का कुछ काम था जी, ये सब काम था। अच्छा तो आप परसेंटेज में बताइए, मार्केट से काम करा था कितना परसेंट होता आपका, यहाँ से कितना सेविंग्स हुआ है ये देखिए। मार्केट से अगर ये जो पेंट हम लोग किए हैं ये मार्केट में अगर किया जाता तो हम लोग जो अमाउंट पे किए हैं उसका शायद डबल होता, डबल हो जाए, डबल होता, यानी कि 50% से, 50% से हम लोगों ने ये पूरा गाड़ी जो कवर किए हैं चेंजेस विद चेंजेस जो कलर बना के ओनली 15,000 15,000 में हम लोग कर दिए। बाकी जो ब्लैक आपका जो ये देख रहे हैं बॉर्डर्स में ये अलग एक्स्ट्रा है, अगर आप कराएंगे तो ये आप कॉन्टेक्ट कीजिएगा तो कम हो जाएगा। अच्छा ये अलॉय व्हील का रिम जो है ये कैलिपर वगैरह ये तो देख रहे हैं कि कलर हुआ है, ये कस्टमाइज एकदम एकदम। अच्छा अच्छा कैलिपर का भी देख रहे हैं कि कलर बिल्कुल चेंज हो गया जी, जी, जी। दोस्तों दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है ये कैलिपर, और ये इसका जो अलॉय रिम है ये भी फुल्ली ब्लैक, गाड़ी को बिल्कुल प्रोफेशनल लुक दिया गया है एकदम, वाह शानदार। मैम कुछ मैसेज है तो बताइए प्लीज। मैसेज यही है कि बहुत सारे कस्टमर ऐसे होते हैं जो पुराना गाड़ी उनके पास है, बहुत दिन हो गए हैं और एक ही कलर है, कलर भी फेड हो गए हैं, डैमेज हो गए हैं, तो हो सकता है वो दोबारा रीपेंट करने की कोशिश कर रहे हैं या फिर ट्राई कर रहे हैं या फिर दूसरे जगह सर्च कर रहे हैं, तो उनको वो अमाउंट नहीं मिल रहे हैं जो वो करना चाहते हैं। तो अगर से आप लोग यहाँ पे आएंगे तो वही 50% में बाहर जो आपको रेट मिलेगा उस हिसाब से बहुत कम प्राइस में हम लोग आपको रीपेंट कर सकते हैं, ऐसा क्वालिटी का। बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग क्वालिटी से कुछ कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं, क्वालिटी कोशिश करते हैं कि बेहतर दे। और दूसरी बात यह है कि अगर आप चाहते हैं कि वो कलर जो है वो आप चेंज करेंगे, कस्टमाइज करेंगे, बहुत होते हैं कस्टमर क्या करते हैं गूगल पे जाके सर्च करते हैं कलर्स, उसके बाद वो कलर हम लोग को भेजते हैं कि हमको यही कलर चाहिए, फिर वो कलर हम लोग बनाते हैं, उसके बाद कस्टमर को भेजते हैं, फिर कस्टमर बोलते हैं हाँ ठीक है ठीक है, उसके बाद जाके हम लोग कलर इस पे चढ़ाते हैं। ऐसा नहीं है कि आप बोल के गए कि मुझे एक पैरेट ग्रीन वाला चाहिए, ठीक है, आप पैरेट ग्रीन बहुत सारे डिफरेंस होते हैं, अब हम लोग कलर देके चढ़ा दिए, ऐसा कुछ नहीं है, नहीं। कलर पहले हम लोग बनाते हैं फिर कस्टमर के पास जाते हैं, कस्टमर अप्रूवल देते हैं, उसके बाद जाके हम लोग, एक लंबा चौड़ा प्रोसेस होती है दोस्तों जी, ऐसी जी। कोई बात नहीं आप फोन करके बता दिया ऐसा नहीं। वो नहीं है, ताकि हर एक कलर का अलग अलग वर्सन होती है, वो अलग वर्सन में ले जाने के लिए आपको पहले बैठना पड़ेगा ऑफिस में, डिस्कस करना पड़ेगा, उसके बाद आपको सैंपल दिखाया जाएगा, वो भी कंप्यूटर मेड, तो बाद आप अप्रूव कीजिएगा तो हो जाएगा। तो दोस्त लोग जो लोग देख रहे हैं मान लीजिए उनका पूरा कलर चेंज कराना नहीं है या फिर उनका एस्टिमेट का बाहर है, लेकिन वो उसको अगर चाहिए कि भाई मैं पूरा बम्पर कलर करा लूं, तो पार्ट कितना करके लेती है आप लोग? पार्ट में जैसे हर एक पार्ट में हम लोग का 1499 करके होता है, 1499 1499 में जितना पार्ट करेंगे। अब उसमें आपका डेंटिंग भी इंक्लूड होते हैं, मान लीजिए किसी का बंपर में वो डेंट है, उसके बाद डेंट को अगर ठीक करना है तो पेंट तो करना पड़ेगा तो वो इंक्लूड है वो 1499 में। अच्छा तो फिर आप अगर बेस्ट एंड चीप रेट में और अच्छा सर्विस आप लेना चाहते हैं तो एक बार आके एक्सपीरियंस कीजिए, क्योंकि हम लोग कोशिश करते हैं कि कस्टमर अच्छा सर्विस उनको मिले। वेरी गुड, सो फ्रेंड्स आज का वीडियो इतना ही था, आप सबको दिखाया Hyundai Grand i10 का कलर हुई है
ये कलर को किस तरह से किया गया, कितना दिन टाइम लगा, कितना खर्चा हुआ है, क्या कस्टमर पहले ही अप्रूव कर दिया या फिर दूसरा कोई जगह से कोटेशन लिया था, तो सारे चीज का बारे में हम लोग डिटेल डिस्कस किया है इसी वीडियो का माध्यम से। अच्छा तो जरूर लग रहा है। फिलहाल जो स्क्रीन पर दिया हुआ नंबर है ये ऑटोमेटिक की नंबर है, अभी कॉल कर सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में भी इनका नाम नंबर लोकेशन सब कुछ दिया हुआ है। आप अपना कार का भी मनपसंद कलर करवाना चाहते हैं तो आप कॉल करके अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। मैम व्यूअर्स के लिए कुछ मैसेज प्लीज। हाँ व्यूअर्स के लिए यही मैसेज मेरे तरफ से है, कंपनी के तरफ से है कि आने वाले टाइम में बहुत सारे ऑफर्स हम लोग क्रिएट करने कोशिश कर रहे हैं। और अगर आप लोग इंडिया ट्यूब्स को सब्सक्राइब नहीं किए हैं अभी तक तो कर लीजिए और इनका शेयर कीजिए, इनका वीडियोस जो हैं, क्योंकि इनके हर एक वीडियोस में जो हम लोगों का वीडियो होते हैं वो एक नया नया टॉपिक हम लोग लेके आते हैं और नया नया काम भी हम लोग लेके आते हैं। मतलब एक गाड़ी अगर किसी के पास है और उसके लिए जो भी रिक्वायरमेंट है वो हर एक वीडियो अगर इंडिया ट्यूब में जाके आप लोग सर्च कीजिएगा तो ऑटोमेनिक के तरफ से आपको मिल ही जाएगा, ये गारंटी है। गाड़ी आप जैसे कि पेंट करना चाहते हैं या फिर आप रिपेंट करना चाहते हैं या फिर आप चेंज करना चाहते हैं तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आप एक बुकिंग जरूर कर लीजिएगा कॉल करके जो नंबर स्क्रीन पे जा रहे हैं, क्योंकि हम लोगों का एक शेड्यूल होते हैं पार्ट बाय पार्ट करके हम लोग गाड़ी का काम करते हैं। अगर आप अचानक आके बोलेंगे हमको कल ही चाहिए तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, तो एक बार कॉल करके बुकिंग कर लीजिएगा आपकी आप कब आ रहे हैं और किस टाइम पे आ रहे हैं। यहाँ से आपको बुकिंग नंबर जाएगा, बुकिंग नंबर मिलने के बाद आप लोग कंफर्म हो जाइएगा कि आपका बुकिंग ऑलरेडी यहाँ पे डन हो चुका है। तो फॉर्मेलिटी पूरा करके आइए और अपना जो भी आपका सर्विस है उसका लाभ उठाइए हमारे यहाँ से। और आने वाले वक्त में हम लोग कुछ ऑफर्स भी लेके आ रहे हैं, वो अगला वीडियो में हम लोग बताएंगे। क्या बात है। सो वीडियो समाप्त करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप अगर बाइक चला रहे हो तो हेलमेट को जरूर इस्तेमाल करें या फिर आप कार ड्राइव कर रहे हो तो सीट बेल्ट को इस्तेमाल करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी नए टॉपिक का साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय हिंद।